अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उमर अब्बास फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। तो व्यूअर्स, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है जो कंपैरिजन है प्लॉट्स का और बने बनाए जो विलास बहरिया टाउन कराची ने दिए हैं, इन दोनों चीज़ों का मैं कंपेयर करूंगा इस वीडियो में। तो प्रिसेंट 27 और प्रिसेंट 31 में 235 गज के जो विलास हैं वो दिए गए हैं और 3 बेडरूम अकोमोडेशन है प्लस सर्वेंट क्वार्टर भी इसमें अवेलेबल है। प्रिसेंट 27 और 31 जो है इस टाइम तकरीबन 70-75% जो है इस टाइम वो रेजिडेंस इसमें बिल्कुल अवेलेबल है। यहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, शॉपिंग गैलरी, मस्जिद, हर चीज़ यहाँ पे ऑपरेशनल है और बिल्कुल मेन जना के ऊपर ये दोनों प्रिसेंट हैं। मेन जना से डायरेक्ट एक्सेस है इन प्रिसेंट्स की। तो मज़ीद अगर इनकी मैं बात करूँ, रेट्स की बात करूँ, तो इस टाइम जो हमें है प्रिसेंट 27 और प्रिसेंट 31 में जो विलाज हैं 1.60 करोड़ से लेकर 1.90 करोड़ की ब्रैकेट में हमें एक अच्छा विला बिल्कुल रेडी ब्रांड न्यू विद की आज आप परचेज़ करें, कल अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं। तो कंपेयर मैं करता चलूँ अगर 250 गज़ के प्लॉट के साथ, देखें 15 अगस्त का सिर्फ फ़र्क है 235 और 250 गज़ में। 250 गज़ का अगर आप प्लॉट लेंगे, अच्छी लोकेशन का प्लॉट, तो आपको 1 करोड़ के आसपास प्लॉट मिलेगा। मेन गेट के जो पास प्रिसेंट 1 है उसके रेट ज़्यादा है, वो 1.5 करोड़ से शुरू होता है। बाकी ओवरऑल बहरिया की मैं बात कर रहा हूँ, 1 करोड़ से 1 करोड़ के ऊपर या नीचे आपको 250 गज़ का अच्छा प्लॉट मिल जाता है। तो अगर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात करूँ तो तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ जो है इस टाइम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रही है 250 गज़ के प्लॉट पे। तो ये तकरीबन आपको 4 करोड़ में जो है 250 गज़ का प्लॉट पड़ जाता है अगर आप खुद कंस्ट्रक्शन करके अपना घर बनाएं और 4 बेडरूम अकोमोडेशन या 5 बेडरूम अकोमोडेशन बनता है। तो इसके मुकाबले में अगर हम प्रिसेंट 27 या प्रिसेंट 31 का विला लेते हैं तो ये हमें तकरीबन आधी कीमत में ये जो विलाज हैं मिल रहे हैं। तो मज़ीद देर ना करें, बहुत ही अच्छे एरियाज़ हैं फैमिली के साथ रहने के लिए, आपको ज़रूरियाती ज़िंदगी की तमाम सहूलियात यहाँ पे मिल जाती हैं। प्रिसेंट 27 के जो विलाज़ हैं इनकी एलिवेशन बड़ी अच्छी दी गई है, 3 बेडरूम अकोमोडेशन है, ग्राउंड पे 1 बेडरूम है, किचन है, ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया अलग से दिया गया है। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे 2 बेडरूम है, डाइनिंग एरिया जो है टीवी लॉन्च की सूरत में फर्स्ट फ्लोर पे भी दिया गया है, बेलकनी काफ़ी खुली दी गई है। जो ये 235 गज़ के विलाज हैं इनका जो लॉन्ड्री एरिया है वो काफ़ी वाइड दिया गया है। तो अगर आप एक अच्छी खासी फैमिली के साथ इजीली 235 गज़ के घर में इजीली आप रह सकते हैं। तो जैसा कि मुल्क के हालात चल रहे हैं, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है, तो आप कंस्ट्रक्शन की तरफ बिल्कुल ना जाएं। मैं तो आपको यही मशवरा दूंगा कि आप बने बनाए घर की तरफ आएँ और ख़ास तौर पे जो बहरिया ने ख़ुद बना के दिए हैं उनकी कीमतें बड़ी ही मुनासिब इस टाइम हमें मिल जाती हैं, तो आप उनकी तरफ आएँ। तो मज़ीद देर ना करें, 235 गज़ के विला चाहे वो प्रिसेंट 27 का हो या प्रिसेंट 31 का हो, तो उसके बारे में मज़ीद जानने के लिए स्क्रीन पे मेरा नंबर अवेलेबल है, मुझसे 24/7 कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।